मान लीजिए एक रॉड है जिसको यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है, और इस रॉड को मैं रोटेट करता हूँ, तो इस रॉड के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसका, उसके बारे में हमें आज पता करना है। तो यहाँ एक रॉड मैं मान लेता हूं, जो यहां पर मैंने फिक्स करवा दिया, यहां पर मैंने सेंटर पर फिक्स करवा दिया, और ये जो रॉड है दैट रॉड इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अभी इसको ऐसे समझना है कि रॉड का एक छोटा सा सेक्शन मैं कंसिडर कर लेता हूं, एक छोटा सा एलिमेंट, जो एलिमेंट है डीएक्स, जो कि सेंटर से, जो कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है, जो कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है, ये रॉड ओमेगा से रोटेट हो रहा है। तो अभी इस एलिमेंट को अगर मैं देखता हूँ तो इस एलिमेंट के पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमें ये पता है कि ये पार्टिकल जो होगा ये कुछ इस तरीके से एक सर्कल फॉर्म करेगा। तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा के हिसाब से अगर बात करूँ तो ये एक्स डिस्टेंस पर है, तो वी इज इक्वल टू एक्स ओमेगा आ जाएगा। तो ये एलिमेंट की जो स्पीड फिलहाल है वो तो है एक्स ओमेगा। आप इसी एलिमेंट को, इसी को एक छोटा सा रॉड इमेजिन कर लो, और आपका जो राइट हैंड रूल था, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, उसको यूज करना है। यहां पर मैं क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड डाल देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ड है। तो देखिए वी बी और आई, मतलब ये टर्मिनल इसका हाई होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए बी एल, और इसका जो इस मोमेंट का जो वेलोसिटी मुझे दिख रहा है वेक्टर, वो देखिए वेलोसिटी, फिर डीएक्स एलिमेंट और बी, ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होना है। टोटल ईएमएफ अगर बात करूं तो यहां पर इंटीग्रेशन करना चाहिए, इंटीग्रेशन करते समय देखिए इंटीग्रेशन बी, यहां पर डीएक्स, और वी जो था, वी था एक्स ओमेगा, तो यहां पर बी और ओमेगा कॉमन निकल जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा एक्स डीएक्स। इंटीग्रेट कहाँ से करना है, इंटीग्रेट करना है जीरो से लेकर, इस रॉड की जो लेंथ है एल है, तो जीरो से लेकर एल तक इंटीग्रेट करवा दीजिए। यहाँ पर ईएमएफ मुझे मिल जाएगा बी ओमेगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, हालांकि इसका इंटीग्रेशन था जीरो टू एल, तो ईएमएफ मुझे मिल गया वन बाय टू बी ओमेगा, और ये एक्स स्क्वायर जो था, एक्स स्क्वायर को अगर लिमिट डाल दो आप तो फाइनल आपका फॉर्मूला मिलेगा वन बाय टू बी ओमेगा एल स्क्वायर, या फिर E इज इक्वल टू वन बाई टू बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये भी ध्यान रखा तो चलेगा, E इक्वल टू वन बाई टू बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको इस रॉड के अक्रॉस क्या मिलने वाला है, ईएमएफ मिलने वाला है। अच्छा, इसको रिप्लेस कैसे कर दिया जाए, तो ये C है और ये मान के चलिए ये पॉइंट A है। मैंने अभी आपको बताया V इस मोमेंट पर अगर मैं देखता हूं तो V B और I, मतलब जो C दिख रहा है मुझे ये हाई पोटेंशियल पर है और ए जो है ये लो पोटेंशियल पर है, तो और ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा है इसके अक्रॉस, तो ईएमएफ वाली वैल्यू आप कुछ यहाँ से निकाल सकते हो। मान लीजिए कोई ऐसे अरेंजमेंट मैंने कर लिया और सी से एक टर्मिनल ले लिया और यहाँ से एक मैंने टर्मिनल ले लिया, तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ मुझे मिलने वाला है, जो रीडिंग मिलने वाला है, वो इतना मिलने वाला है। अगर एक रॉड की जगह पर मैं ऐसे नंबर ऑफ स्पोक ले लेता हूँ, ये दूसरा रॉड ले लीजिए, ये तीसरा रॉड ले लीजिए यहां पर, फिर चौथा रॉड डाल देता हूं मैं, तो ऐसे नंबर ऑफ रॉड मैं यहां पर दे रहा हूं, ठीक है, ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है एंड दिस एंटायर सिस्टम इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये यहां पर सेंटर है और ये जो एंड्स है, इसको मान लीजिए एक साइकिल का पहिया है, व्हील है, और ये जो होगा ये मेटल रिम है, ये मेटल रिम है। तो पॉइंट सी तो कॉमन में मुझे दिख रहा है, ये रॉड का जो लेंथ दिख रहा है एल दिख रहा है, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने परपेंडिकुलरली अप्लाई कर दिया, तो मैं किसी एक रॉड को इस्तेमाल कर लूंगा। ये मान लीजिए ये रॉड, इस रॉड के अक्रॉस अगर बात करूं मैं सी, और ये पॉइंट अगर मैं मानता हूं ए, तो सी और ए के अक्रॉस कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो ईएमएफ के लिए मैंने फॉर्मूला दिया था 1 बाई टू बी एल स्क्वायर ओमेगा, इतना ईएमएफ, मतलब कि ये हो रहा है सी और ए अगर बात करूं, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू अ सेल, सेल का ईएमएफ कितना, तो देखिए वी अभी अगर ऐसे रोटेट हो रहा है तो इस कॉम्पोनेंट का अभी का वेलोसिटी अगर बात करूं तो वी बी
और आई मतलब यह टर्मिनल हाई होने वाला है। तो हम बात करेंगे इसके बारे में, सी हाई है और ए लो है। क्वेश्चन ये आता है कि इस सिस्टम के लिए, अगर इस सिस्टम में देखिए टोटल रॉड्स कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 टोटल है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस रिम के अक्रॉस, रिम और सेंटर के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ होगा। तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बच्चे सोचते हैं कि 8 अगर रॉड है, एक में अगर हाफ बीएल स्क्वायर ओमेगा तैयार हो रहा है, तो 8 मिलाकर कुल मिलाकर मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया जाए। लेकिन वैसे नहीं है। आप इसको समझ लो कि हर एक रॉड का जो एक टर्मिनल वो तो कॉमन कनेक्टेड कर दिया गया है, और जो फाइनल है जैसे कि यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये दोनों को रिम से कनेक्ट कर दिया गया है जो कि मेटल की रिम है। मतलब इन दोनों को इन शॉर्ट बोला जाए तो ये शॉर्ट कर दिया गया है। देखिए हर एक का ईएमएफ, हर एक का ईएमएफ, जैसे कि अगर वन का बात करूँ तो इसका ईएमएफ ऐसे होगा, ये सी है, दूसरा रॉड जो है वो दूसरा रॉड भी ऐसे ही कनेक्ट कर दिया गया है ए को, क्योंकि ये शॉर्ट कर दिया गया है। फिर इसको भी इससे साथ शॉर्ट कर दिया गया है, मतलब जो बनने वाला है ईएमएफ वो भी ऐसे ही दिखेगा। फिर इसको भी इसके साथ शॉर्ट कर दिया गया, क्योंकि देखिए रॉड का हर एक जो पार्ट आपको ऊपर वाला दिख रहा है दैट इज कनेक्टेड बाय अ रिम, सो ये तो सिस्टम कंटिन्यू हो जाएगी। आपने ये चीज पढ़ी है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉमन टर्मिनल्स विल बी सेम। तो जितना इसका ईएमएफ है इतना ईएमएफ है, इसका भी ईएमएफ, इसका भी ईएमएफ, ऑल दीज आर पैरेलल, तो ये ऐड होने वाले नहीं है। तो आपके पास नेट ईएमएफ जो बनने वाला है वो बनने वाला है ईएमएफ अक्रॉस सिंगल, सिंगल के अक्रॉस जितना बनेगा उतना ही बनने वाला है नेट ईएमएफ। तो नेट ईएमएफ कितना, ये बनने वाला है 1/2 BL² ओमेगा। उसी तरीके से अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, अगर मेरे पास कॉपर डिस्क है, कॉपर डिस्क है और ये कॉपर डिस्क यहां पर इसका रेडियस मान के चलता हूं मैं आर है, दैट डिस्क इज रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऐसी है बी बार, एंड दिस इज रोटेटिंग विद एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा। तो ये जो टर्मिनल है यहां से मान के चलो मैं कोई एक कनेक्शन निकालता हूँ, और यहाँ से मैं कोई एक और कनेक्शन निकालता हूँ, और ये अगर मैं किसी गैल्वेनोमीटर या होल्ट मीटर को, मान लीजिए होल्ट मीटर को दे देता हूँ, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना बनना है। इसके पहले हम लोगों ने समझा था कि लाइक वी हैड अ स्पोक्स, नंबर ऑफ स्पोक्स, साइकिल जो था उसके नंबर ऑफ स्पोक्स थे, तो नंबर ऑफ स्पोक्स में कॉमन क्या था, एक जो था सेंटर को कनेक्टेड था और बाकी सारे जो थे रिम को कनेक्टेड थे। आप इस व्हील को भी अज्यूम कर सकते हो कि इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोक्स। तो होगा क्या, यहां सेंटर और रिम के अक्रॉस जो ईएमएफ होने वाला है तैयार, दैट इज 1/2 BR² ओमेगा, बी एल की जगह पर आर स्क्वायर ओमेगा। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन तैयार। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मान लीजिए एक सर्कल है और यहाँ कोई पॉइंट्स मैं कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको ए को फिक्स करा देता हूँ और इस पूरी रिंग को मैं रोटेट करवाने वाला हूँ विथ एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा। अलग अलग पॉइंट इस पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये सी ले लेता हूँ, ये डी ले लेता हूँ, ये बी ले लेता हूँ, ठीक है, ए बी सी डी। तो मुझे क्वेश्चन ये है मेरे सामने कि वी ए वी सी माइनस VA कितना, और दूसरा क्वेश्चन है VD माइनस VA कितना। देखिए हालांकि ये रोटेट हो रहा है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर B बार अप्लाई की गई है, यहां इसमें कितना मैग्नेटिक, कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप पहले ये चीज समझ लो कि मुझे किसके अक्रॉस चाहिए, A और C के अक्रॉस चाहिए। तो इसको एक तरीके से आप रॉड की तरह ट्रीट करो, इसको आप एक तरीके से रॉड की तरह ट्रीट करो। ये जो रॉड है यहां पे ला लिया मैंने, इसको मैंने एक रॉड की तरह ट्रीट कर दिया, यहां पर ए और सी है, इट इज रोटेटिंग विथ एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, तो मैं राइट हैंड रूल यूज करूंगा,
ये रोटेट ऐसे हो रहा है तो इस किसी इंस्टेंट पर मैं वेलोसिटी देखूंगा वी, बी अंदर है और आई, मतलब ये हो रहा है कि सी हाई पोटेंशियल पर है और ए लो पोटेंशियल पर है, और इसके अक्रॉस का ईएमएफ कितना है तो 1/2 बी। देखिए इफेक्टिव लेंथ कितना है एसी का, वो इफेक्टिव लेंथ है ट्वाइस ऑफ आर, सो बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो ये आ गया आपके पास, ये 4 हो गया, तो ऑब्वियसली 4 इंटू 1/2 बी आर स्क्वायर ओमेगा, इतना ईएमएफ तैयार हो गया। आप फिर कैंसिलेशन करा के जो चाहे कर सकते हो आगे, तो ईएमएफ इतना बन गया है। तो वीसी माइनस वीए अगर आप बात करो तो सी और ए में अगर बात करें तो वीसी इज ग्रेटर देन वीए, तो ऑब्वियसली वीसी माइनस वीए इज नथिंग बट पॉजिटिव वैल्यू, और कितना तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ बी आर स्क्वायर ओमेगा, ये मिल गया मुझे आंसर। फिर मुझे चाहिए पोटेंशियल अक्रॉस डी एंड ए, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से समझूंगा, यहां से इसको मैं कनेक्ट करवा देता हूं। तो ये जो रॉड मुझे दिख रहा है, इस रॉड का लेंथ कितना, अगर ये आर है ये आर है तो ये रूट टू टाइम्स आर है, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको लूंगा कि ये जो रॉड है इसको यहां से उठा के ला लीजिए, यहां पर पॉइंट जो था ए और ये था डी, इसका जो लेंथ बन रहा है ये रूट टू टाइम्स आर बन रहा है, ये बन रहा है इसका लेंथ, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में है, इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मान लीजिए किसी एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी वी था, तो वी बी आई, तो वी बी आई आई ऊपर वाला टर्मिनल जो है ये पॉजिटिव बन रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। ईएमएफ कितना, तो ईएमएफ 1/2 बी, देखिए लेंथ का स्क्वायर, तो इफेक्टिव लेंथ रूट टू आर है, तो रूट टू आर का स्क्वायर ओमेगा। ईएमएफ कितना 1/2, देखिए 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो बी आर स्क्वायर ओमेगा। हालांकि पॉइंट डी जो है हाई पोटेंशियल पर है, तो वी डी माइनस वी ए के बारे में बात करूं तो ये पॉजिटिव आ जाएगा बी आर स्क्वायर ओमेगा। यहां एक क्वेश्चन है जिसमें कि रॉड यहां पर क्लैंप कर दिया गया पॉइंट सी पर, पिवट कर दिया, फिक्स करा दिया, लेकिन ये रोटेट हो रहा है पॉइंट सी पर। आप इसको ट्रीट करते समय दो अलग अलग रॉड की तरह ट्रीट करो, कैसे ट्रीट करना है वो समझ लो। मैं क्या करूंगा, ए से लेकर सी तक जो मुझे दिख रहा है सेक्शन, उसको मैं एक रॉड इमेजिन कर लूंगा, फिर जो मुझे सी से लेकर डी तक दिख रहा है उसको मैं अलग रॉड इमेजिन कर लूंगा, और इन दोनों के लिए मैं अलग अलग एक्सप्रेशन फाइंड आउट करूंगा। यहां पर जो है ये सी यहां पर फिक्स्ड है, यहां पर ये सी फिक्स्ड है, तो ऑब्वियसली ये रोटेट हो रहा है, ये भी रोटेट हो रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लेकिन इसकी जो लेंथ है एल है, इसकी जो लेंथ है यहां पर ट्वाइस एल, ये पॉइंट ए है, ये पर ये पॉइंट डी है, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बी है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बी है, इसकी जो वेलोसिटी मुझे दिख रही है यहां पर इस समय जो दिख रही है वी है, उसी इंस्टेंट पर ये रॉड जो है ये नीचे आ रहा है, तो मान लीजिए उस किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी वी है, तो इसका ईएमएफ जो होने वाला है तैयार, ईएमएफ जो होने वाला है तैयार, ये कितना होने वाला है, तो ईएमएफ के लिए फॉर्मूला जो है वो है 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। लेकिन राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है मुझे, और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो देखिए वी बी और आई, वी बी अंदर है और आई, मतलब कि ए जो है ये हाई पोटेंशियल होगा और सी जो होगा वो लो पोटेंशियल होगा, तो यहां वी ए माइनस, आपको समझ में आ रहा है, ए और सी में वी ए ग्रेटर देन वी सी, तो ऑब्वियसली वी ए माइनस वी सी जो है ये पॉजिटिव नंबर आने वाला है 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। ये हो गया इसके बारे में। चलो इसके बारे में बात करते हैं, इसके अक्रॉस जो ईएमएफ जनरेट होगा वो तो 1/2 बी आर, तो कितना है ट्वाइस एल स्क्वायर ओमेगा, तो ये आ गया 4, ठीक है, बी एल स्क्वायर ओमेगा, तो ये 4, तो यहां पर आ गया ट्वाइस बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये ईएमएफ जनरेट हो गया इसके अक्रॉस, ठीक है। लेकिन ये रॉड तो नीचे आ रहा था ना इस इंस्टेंट पर, तो वी अंदर है, वी नीचे है, बी इस तरीके से और आई इस तरीके से, मतलब डी जो है डी हायर पोटेंशियल पर है डी, और यहां पर ये जो है ये सी, सो पोटेंशियल एट डी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ सी, तो आप ये बात कर सकते हो कि वी डी माइनस वी सी जो है ये 1/2, या फिर 1/2 के बारे में बात करना है तो 1/2 के बारे में रखते हैं, तो 1/2 कर बात करना था क्योंकि मुझे आगे
देखिए VA माइनस VD भी निकालना है, तो किसी एक पर्टिकुलर सिंक्रोनाइजेशन में रख देता हूं मैं, तो यहां हम ये भी बात कर सकते थे कि 1/2 और ये है 4 टाइम्स बी एल स्क्वायर ओमेगा, समझ लो इसको। तो VD ग्रेटर देन VC, तो VD ग्रेटर देन VC है तो 1/2, यहां पर लिख देता हूं मैं 4 बी एल स्क्वायर ओमेगा, सिर्फ बताने के लिए। क्वेश्चन है VA माइनस VC जो मुझे मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है VA माइनस VD। तो अगर मैं VA माइनस VD अगर लिखता हूं तो VA माइनस VD कैन बी VA माइनस VC माइनस VC माइनस VD। आप देख लीजिए, एक्सट्रीमली सॉरी, VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD आप लिख सकते हो। तो यहां VA माइनस VC जो है, VA माइनस VC तो है लेकिन VD माइनस VC है, तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो VA माइनस VC कैन बी इक्वल टू माइनस VD माइनस VC। तो VA माइनस VC कितना है, 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा माइनस VD माइनस VC कितना है, यहां पर है 1/2 इंटू 4 बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, देखिए 1/2 तो निकल गया, यहां पर बी एल स्क्वायर ओमेगा में निकल गया 1-4, तो कहीं ना कहीं -3/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा मिल गया। ये क्या मिल गया, VA माइनस VD का आंसर।